वो इंडियन योगा को 11 गल्फ कंट्रीज के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। क्या रीजन है? पहले सीखा इंडियन, अब इंडियन को आगे प्रमोट किया जा रहा है। रूस एक हमारी छेड़ी बन गया है, सस्ती गैस भी हमारी छेड़। पाकिस्तान में एक एक दिन में 7 दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। गीदड़ लगते हैं या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन आज पाकिस्तान की पॉलिसियां गीदड़ों की तरह ही बनाई जा रही हैं। आज मैं घर से जब निकला हूँ तो मैं ये सोच रहा था कि या अल्लाह, हमें सिर्फ मौत नहीं आ रही बस, और तो कुछ भी नहीं है। ये जिंदगी जिंदगी तो नहीं है कुत्ते बिल्ली वाली। हैरान परेशान तो पूरी पाकिस्तानी कौम हो गई है, क्योंकि जो दो वक्त की रोटी अवाम खाया करते थे, इसका रिलीजन का स्टेट से कोई तल्लुक नहीं है और ट्रेड का रिलीजन से कोई तल्लुक नहीं है। लोग एक उसका खाना नहीं खा पा रहे, महंगाई किस कदर हो गई है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है 6.12 बिलियन रह गए हैं, जो 9 सालों के बाद अब तक सबसे कम तरीन सता है। इस मसले का हल ये है की ये रही रस्सी और ये लटका हुआ है। क्या हमें नहीं चाहिए हम उनके एजुकेशन को, जो वो अभी 10 साल पहले हम जो चीज हम पढ़े वो 10 साल पहले पढ़ चुके हैं। बड़ी खबर आई है इंडियन योगा, जहां सऊदी अरेबिया के अंदर पहले प्रमोट करवाया गया था। सऊदी अरेबिया ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे यहां ट्रेनर भेजें और हमारे यहां लोगों को योगा सिखाएं। अब वही योगा सीखने के बाद वहां के जो लोग हैं सऊदी अरेबिया के, वो इंडियन योगा को 11 गल्फ कंट्रीज के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। क्या रीजन है? पहले सीखा इंडियन, अब इंडियन को आगे प्रमोट किया जा रहा है। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम योगा की बात करें, इंडियन योगा जो कि सऊदी अरेबिया ने पहले उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे यहाँ पर अपना जो योगा करते हैं उसकी ट्रेनिंग आकर दें, वो देना शुरू की, तो यहाँ पर जब सऊदी अरेबिया के लोग योगा स्टार्ट किया, उन्होंने सीखा, सीखने के बाद अब इंडियन योगा को आगे 11 कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में प्रमोट कर रहे हैं। क्या लगता है कि इंडियन योगा, क्या ये चीज सही है? सारे सऊदी अरेबिया समेत जो अरब कंट्रीज है वो इस चीज को अपने अंदर अडॉप्ट करें। हर बंदे के अपने अपने व्यूज है इसके बारे में। तो इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरेबिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक कर रहे हैं। देखें, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ना, तो उसमें बहुत सारे एक्सिस बने थे, अलायंस बने थे, और अमेरिका, जापान और ये सारा साथ साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई की थी। तो उस टाइम ना विंस्टन चर्चिल था प्राइम मिनिस्टर लैंड का, तो उसने पूरी वार को डिफाइन किया था कि वार क्यों हो रही है, क्या वजह है। उसने कहा था कि देर आर नो परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जब से आपका ये स्टेट सिस्टम डेवलप हो गया ना, आपको बॉर्डर लग गया, आपकी गुड्स, आपकी सर्विसेज जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, जिसकी वजह से वो महंगी हो गई है। ये बेनिफिट, ये इंटरेस्ट हम पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं नजर आता? देखिए, आप अब बात ये नहीं है कि आपने अपनों से लेना है या उनसे लेना है, बात ये जहाँ से आपको मिले। हमारा बेनिफिट नहीं है इंडियन ट्रेड में? हमारा बेनिफिट है तो क्यों नहीं करते? हमें करनी चाहिए, टेम्परेरी जरूर करते। जब कोई मुश्किल आता है, लाइक जब हम पे ये मतलब अभी सैलाब आया था, तो तब टमाटर वगैरह मंगवाए गए टेम्परेरी ट्रेड की, लेकिन परमानेंट उस चीज को नहीं बनाया जाता, क्यों? देखिए, जो आपकी वर्स्ट एनमी है ना, वो ना आपका इंडिया, आपका एनमी है सिस्टम पॉवर्टी। पॉवर्टी आपको प्रिपेयर करती है टेररिज्म की तरफ। पॉवर्टी आती है आपकी, ये फूड इनसिक्योरिटी आती है आपकी, ये क्लॉथ, आपकी जॉब सर्विसेज, सर्विसेज का एक्सचेंज, वहां से पॉवर्टी आती है, और वहां से आपको इंस्टिंक्ट आती है कि आप उसको फुलफिल करने के लिए अपनों के साथ लड़ते हैं, ये जो भी करते हैं, ये बाहर से फंडिंग लेते हैं। अगर आप पॉवर्टी को एलिवेट करेंगे और इंडियन से ट्रेड करेंगे, तो आपके अंदर जो है वो सारा पीस आपको तब मिलेगा। आपको लगता है क्या हम पॉवर्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? क्या पॉवर्टी के खिलाफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो लड़ रहे हैं? नो। क्यों? नो। देखिए, पॉवर्टी के खिलाफ लड़ने के लिए कहाँ, आपको कहाँ नजर आ रहा है पॉवर्टी के खिलाफ? क्यों नहीं लड़ रहे? मैं यही तो पूछ रही, क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि वो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। जब उन्होंने ये बरसगी से अलग होने लगे, उन्होंने पहले ये बात कही कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर ना रुके, इनको वीजे की जरूरत ना पड़े। ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि इनको वीजे की जरूरत ना पड़े। मैं चाहता हूँ जब यहाँ से कोई वहाँ आए तो ऐसे आए जैसे भाई है, यहाँ से जब कोई वहाँ जाए तो ऐसे जाए जैसे भाई है। वो चीज़ तो अभी नजर ही नहीं आ रही। जी बिल्कुल, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जब तक आपका नहीं होगा, तो आपकी जो है वो मनी जब तक चेंज नहीं होगी दरमियान में गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपकी जो चीज आपके पास कम है उधर जाया जाए, जो वहाँ कम है इधर जाया जाए, तो वो तो गैप तो रहेगा डिमांड और सप्लाई का। अब IMF कह रहा है पेंशन बंद कर दो, हजारों वर्क हजारों बूढ़े उनके बच्चे जो है
विवाहें जो हैं वो पेंशन पे चल रही है।